हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस रोड पे चल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं डेजर्ट में आई हुई हूँ। दुबई को इन्होंने इतना ग्रीन बना दिया है कि वो अब रेगिस्तान लगता ही नहीं है। अभी हम और आप चल रहे हैं यहाँ की बहुत ही फेमस वाफी मॉल। यहाँ से हम शॉपिंग तो करेंगे ही, साथ साथ हमको फील मिलेगा पुराना इजिप्ट सिटी का। अंदर आते ही फील होने लगा कि ये दूसरे शॉपिंग मॉल से अलग है। ये जो पिलर है पूरा शो कर रहा है इजिप्शियन कल्चर का। हम लोगों ने भी बहुत कुछ पढ़ा है इजिप्ट के बारे में अपनी हिस्ट्री में, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पहचान सकते हैं। सेंटर में मॉल के इन्होंने नीचे पानी है और ये पूरा ग्लास का पिरामिड है। यहाँ पे बैठे हुए दिखाया है एंशिएंट इजिप्ट किंग। इस मॉल में 250 शॉप्स हैं और काफी फेमस डिजाइनर बुटीक्स। यहाँ पर बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलता है अरेबियन कल्चर के बारे में। यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं और कैसे घरों में रहते हैं। मुझे सामने दिख रहा था मैंगो या आम का अचार। अंदर कैफे में चलकर यहाँ का कुछ खाते हैं। सामने नजर आ रही है आर्ट गैलरी, अंदर चलकर देखते हैं। तो यहाँ तो गांधी जी की भी पेंटिंग है। देखने से तो ये कैनवस पे बनी हुई पेंटिंग नहीं लग रही, बल्कि मेटल ऐसा लग रहा है। ये थे आर्टिस्ट जिन्होंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, और ये अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए, और इसमें कोई भी पेंट या पेंट ब्रश यूज नहीं है। जैसे ये मेटल का था। काफी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की गांधी जी की पेंटिंग के बारे में, और ये जो फ्रेम है उस पर उन्होंने कलर्स यूज किए हैं फ्लैग के, और साथ साथ उसको रिलेट किया हुआ था चरखे से। तस्वीर की दुकान में जब अंदर आए तो उसने बताया कि ये जो स्टोन्स हैं वो अलग अलग कलर के हैं, और हर स्टोन की एक क्वालिटी है। कुछ आपको बहुत हाथ में ठंडक देता है, कोई खुशबू देता है, हर पत्थर की एक क्वालिटी है। यहाँ के लोग काफ़ी इत्र और परफ्यूम के शौकीन होते हैं, और घर में भी ये लोग बहुत खुशबू की चीज़ें जलाते हैं।
यहाँ अंदर चल के देखते हैं यहाँ क्या क्या बेच रहे हैं। अगर कुछ बाय करना है तो हमारे लिए ये सुविनियर होगा। आज तो हमने और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी अरेबियन कल्चर के बारे में। दुबई में अब हमारे कुछ ही दिन और बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी नई नई जगहें देखेंगे हम और आप साथ साथ मिलकर।